हेलो दोस्तों, दिस इज सुंदर सिंह मेरा अगेन। हाउ टू हिंदी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जब भी आप अपना व्हाट्सएप यूज़ करते हैं और अपने दोस्तों के साथ या ग्रुप में चैट कर रहे होते हैं, तो आप जो मैसेज लिख के भेजना चाह रहे हैं वो आप डिफरेंट डिफरेंट फॉन्ट में कैसे लिख सकते हैं और डिफरेंट डिफरेंट कलर में कैसे लिख सकते हैं, और अगर आप किसी इमेज के ऊपर टेक्स्ट लिखना चाह रहे हैं तो वो भी आप इसको कैसे लिख सकते हैं। तो अगर आप जानना चाहते हैं तो फिर आप इस वीडियो को लास्ट तक का देखते रहिए। उससे पहले मैं आपको बता देता हूं कि अगर आपने हमारा हाउ टू हिंदी यूट्यूब चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप उसको यहां पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए, और ये आपको सब्सक्राइब कर लेना चाहिए क्योंकि हम इसमें कंप्यूटर, इंटरनेट, मोबाइल और टेक्नोलॉजी से संबंधित टिप्स एंड ट्रिक्स एंड ट्यूटोरियल्स डालते हैं जो कि हिंदी में होते हैं और बिल्कुल फ्री होते हैं। तो बिना समय गवाए अभी इसको यहां पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए चलते हैं एंड्रॉइड फोन में। जैसे हम यहां पर एंड्रॉइड फोन में आ गए तो सबसे पहले आपने करना क्या है, अपने प्ले स्टोर में जाना है, गूगल प्ले में। और जैसे ही गूगल प्ले में आप जाते हैं तो यहां पर आपने क्या करना है, एक चीज सर्च करनी है, और वो मैं बताता हूं आपको क्या सर्च करना है। आपने यहां पर लिखना है टेक्स्ट आर्ट, ठीक है। तो यहाँ पर आपने क्या लिखना है, TE टेक्स्ट आर्ट। जैसे ही आप टेक्स्ट आर्ट लिखते हैं तो उसके बाद यहाँ पर आपने आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा, जो पहला वाला एप्लीकेशन है यहाँ पर ही, देखिए इसका आइकन भी देख लीजिए कैसा है। तो आपने क्या करना है, इसको इंस्टॉल कर लेना है। तो जैसे आप इसको इंस्टॉल कर लेते हैं और उसके बाद आप इसको ओपन करते हैं, तो मैं यहाँ पर ओपन करके दिखाता हूँ आपको। तो आप यहाँ पर से जो भी मैसेज लिखना चाहते हैं किसी को भी, जैसे मैं यहाँ पर लिखना चाहता हूँ हाय, ठीक है, हाय हाउ आर यू, ठीक है। तो मैं ऐसे लिखने से, चलिए मैं क्या करता हूँ इसको हिंदी में लिख देता हूँ। इसको हम क्या करते हैं, डिलीट करते हैं, एडिट में गए यहाँ से, ओके इसको हमने हटाया, और यहाँ पर मैं लिखना चाहता हूँ हिंदी में। तो हिंदी में लिखने के लिए मैंने आपको बताया है कि आप हिंदी में कैसे लिख सकते हैं। मैं अभी इसको प्रेस करूँगा तो ये हिंदी में लिखना शुरू हो जाएगा। तो अगर आप हिंदी वाला वीडियो देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के लास्ट में आपको लिंक मिलेगा जिससे आप हिंदी में भी टाइप कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ घूमने, घूमने चलें क्या, ठीक है। मैंने ये लिख दिया यहाँ पर एक मैसेज, घूमने चलें क्या। अब यहाँ पर देखिए, जैसे आप ये मैसेज लिख लेते हैं तो उसके बाद आप यहाँ पर से इसको बैक कर लीजिए। मैं इसको यहाँ पर से बैक कर लेता हूँ, और उसके बाद यहाँ पर आप देखिए आप इसका फॉन्ट जो है वो भी चेंज कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर से इसको, तो जैसे आपने यहाँ पर ये मैसेज लिख दिया उसके बाद यहाँ पर से आप क्या कर सकते हैं, इसको ओके कर सकते हैं। जैसे ओके कर दिया तो यहाँ पर ये देखिए, ये तो आपका टेक्स्ट हो गया। अब आपके पास बहुत सारे यहाँ पर ऑप्शन हो जाते हैं। जैसे आपने क्या करना है, इसका प्रीसेट सेट करना है। जैसे यहाँ पर प्रीसेट का मतलब है कि आप यहाँ पर से कौन सा इसको प्रीसेट देना चाह रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर से आप जो मर्जी आपकी उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। अभी मैं बैकग्राउंड में इमेज डालना भी आपको बताऊंगा। जैसे अभी इसका जो बैकग्राउंड है वो है ट्रांसपेरेंट, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ इसे ये वाले फॉन्ट में, तो कोई भी फॉन्ट यहाँ पर से आप सेलेक्ट कर लीजिए। जैसे मैं यहाँ पर ये वाला फॉन्ट सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद मैं यहाँ पर से इसको बैक में क्लिक करता हूँ, बैक में क्लिक करा, और यहाँ पर से उसके बाद देखिए बैकग्राउंड इमेज आप कोई भी यहाँ पर से इमेज सेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर बैकग्राउंड इमेज में मैं क्लिक करता हूँ, जैसे बैकग्राउंड इमेज में मैंने क्लिक करा तो या फिर आप अपनी गैलरी से कोई इमेज सेलेक्ट कर लीजिए, या फिर आप क्या कर लीजिए, कोई टेक्स्चर अगर आप लिखना चाहते हैं, टेक्स्चर अगर आप सेट करना चाहते हैं तो यहाँ पर से आप टेक्स्चर, मैं आपको दिखा देता हूँ कैसा है टेक्स्चर। यहाँ पर देखिए बहुत सारे इसमें टेक्स्चर हैं, आप यहाँ पर से इनको भी सेट कर सकते हैं। तो मुझे टेक्स्चर सेट नहीं करना है, मुझे कोई इमेज जो है वो गैलरी से उठानी है, तो मैं यहाँ पर से क्या कर सकता हूँ, सेलेक्ट इमेज में क्लिक करता हूँ। तो जैसे सेलेक्ट इमेज में मैंने क्लिक करा तो यहाँ पर से हमारी गैलरी खुल जाएगी। देखिए यहाँ पर गैलरी खोलने को बोल रहा है, तो मैंने यहाँ पर जस्ट वंस में क्लिक करा तो यहाँ पर से गैलरी खुल गई। अब यहाँ पर से कोई इमेज हम देखते हैं, कोई भी इमेज आप अपनी गैलरी से उठा सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर से कोई एक यहाँ से इमेज उठा लेता हूँ इंस्टाग्राम से, ये वाली, ठीक है। मैंने ये इमेज जो है इसको सेट कर लिया। अब यहाँ पर देखिए जो टेक्स्ट है ये बिल्कुल मिडिल में आ रहा है, हम इसकी लोकेशन भी सेट कर सकते हैं। यहाँ पर से अगर आप नो इमेज में क्लिक करेंगे तो कोई भी इमेज नहीं रहेगी, अगर आप ट्रांसपेरेंट करना चाहें तो ट्रांसपेरेंट भी कर सकते हैं। तो अभी मैं इसको बैक करता हूँ क्योंकि मैंने इमेज सेलेक्ट कर ली है। अब उसके बाद यहाँ पर देखिए जो इसका कलर है टेक्स्ट का, आप यहाँ पर से इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं, जैसा भी कलर आप लगाना चाहते हैं। तो यहाँ पर देखिए आप इसका कलर सेट कर सकते हैं, तो मैं यहाँ पर इसको रेड कलर कर देता हूँ, ठीक हो गया, डन हो गया। अब यहाँ पर से हम क्या करते हैं, इसको बैक कर देते हैं, बैक में क्लिक करा, उसके बाद यहाँ पर देखिए आप इसका फॉन्ट जो है फॉन्ट भी चेंज कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर चेंज फॉन्ट में क्लिक करा और इसका फॉन्ट जो है मैं चेंज कर देता हूँ, ठीक है। बहुत सारे फॉन्ट हैं यहाँ पर, देखिए आप जैसा भी फॉन्ट आप चाहते हैं वैसा भी ये फॉन्ट यहाँ पर बन जाएगा। तो मैं यहाँ पर से ये वाला फॉन्ट ले लेता हूँ, ठीक है। ये वाला फॉन्ट मैंने ले लिया, उसके बाद यहाँ पर से मैंने फिर से इसको बैक कर दिया।
बैक कर दिया। उसके बाद यहाँ पर देखिए टेक्स्ट का लेआउट आपके पास एक ऑप्शन होता है, यहाँ पर टेक्स्ट लेआउट आपने क्या करना है, टेक्स्ट लेआउट में क्लिक करना है। जैसे टेक्स्ट लेआउट में क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये देखिए ये है जो लेफ्ट कॉर्नर है, यहाँ पर से लेफ्ट वाला ये है, यह राइट है, राइट से शुरू होगा, यहाँ पर ये सेंटर है। तो आप यहाँ पर से जो भी आप सेलेक्ट करना चाहते हैं उसको कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पर देखिए एस्पेक्ट रेशियो है, आप यहाँ पर से इसका एस्पेक्ट रेशियो सेट कर सकते हैं, ये जो है हॉरिजॉन्टल है और ये वाला जो है ये वर्टिकल है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये वाला जो है यहाँ पर से आपको बताएगा कि आप यहाँ पर से कहाँ पर इस एरिया में कहाँ पर इसको रखना चाहते हैं। तो इसको आप पकड़िए, यहाँ पर से प्रेस कीजिए, जो यहाँ पर ये बना हुआ है इसको प्रेस करेंगे तो यहाँ पर से आपका टेक्स्ट जो है वो मूव करना शुरू हो जाएगा। और यहाँ पर से ये है, आप इसकी डायरेक्शन बता सकते हैं कि इसको कैसी डायरेक्शन में है। तो आप यहाँ पर से ये एरो को पकड़ के घुमाइए, जैसा घुमाएंगे वैसा ये घूम जाएगा, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पर से ये घूम रहा है, तो मैं इसको थोड़ा सा इधर को कर देता हूँ और इसको हम उठा के यहाँ पर से थोड़ा सा इस साइड को ले आते हैं। यहाँ पर ले आता हूँ इसको, यहाँ पर ले आए। उसके बाद यहाँ पर से आपने क्या करना है, बैक में क्लिक करना है। तो यहाँ पर देखिए आपके पास और ऑप्शन यहाँ पर आते हैं कि अगर आप इसको सेव करना चाहते हैं तो यहाँ पर से सेव में क्लिक करेंगे तो ये यहाँ पर आपके फोन में सेव हो जाएगी। अगर आप इसको व्हाट्सएप में शेयर करना चाहते हैं तो यहाँ पर से आप इसको व्हाट्सएप में शेयर भी कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर से सेंड टू व्हाट्सएप में क्लिक करता हूँ और यहाँ पर से देखिए जिसके भी साथ हम शेयर करना चाहते हैं उसको यहाँ पर से हम आसानी से शेयर कर सकते हैं। यहाँ पर से आप सेलेक्ट कर लीजिए, जैसे मैं यहाँ पर से सेलेक्ट कर देता हूँ इस ग्रुप में मेरे को ये डालना है मैसेज, तो यहाँ पर से मैंने इसको, अब यहाँ पर आप इसको कोई कैप्शन देना चाहते हैं तो वो डाल सकते हैं। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, सेंड में क्लिक करता हूँ, सेंड में मैंने क्लिक करा और यहाँ पर से इमेज जो है ये यहाँ पर सेंड हो जाएगी, ठीक है। तो ये देखिए इमेज यहाँ पर सेंड जो है ये हो गई है। अब यहाँ पर से देखिए, और अगर आप चाहते हैं कि यहाँ पर कोई भी इमेज जो है ये बैकग्राउंड में ना हो तो यहाँ पर से आपने क्या करना है, बैकग्राउंड इमेज में क्लिक करना है और यहाँ पर से ये इमेज जो है नो इमेज में क्लिक करेंगे तो यहाँ पर कोई भी इमेज नहीं होगी। तो आप सिंपल प्लेन एक टेक्स्ट भी किसी को लिख के भेज सकते हैं, ठीक है, चाहे इंग्लिश में चाहे हिंदी में। तो ऐसे करके देखिए आप कोई भी एक अट्रैक्टिव सा मैसेज लिख के अपने दोस्तों के साथ उसको शेयर कर सकते हैं और अपने जो चैट है उसको इंटरेक्टिव सा बना सकते हैं। इसके नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपना खुद का कार्टून कैसे बना सकते हैं या फिर अपने दोस्तों का कार्टून कैसे बना सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो यहाँ पर लाइक बटन में क्लिक करके इसको जरूर लाइक करिए और कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। और कंप्यूटर, इंटरनेट, मोबाइल और टेक्नोलॉजी से संबंधित टिप्स एंड ट्रिक्स एंड ट्यूटोरियल्स हिंदी में और बिल्कुल फ्री में सीखने के लिए आप हमारा हाउ टू हिंदी यूट्यूब चैनल अभी तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय एंड टेक केयर, देखते रहिए सीखते रहिए हाउ टू हिंदी।